सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर हाईटेक वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं क्लोन फोटोग्राफी के बारे में। भाई सब लोग यार लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा रहा हूं, आप लोगों को भी दिखाया जाए कि क्लोन फोटोग्राफी कैसे की जाती है। दोस्तों, अगर आपको नहीं बताया कि क्लोन फोटोग्राफी क्या होती है, तो ये देखो भाई, ये होती है क्लोन फोटोग्राफी, जिसमें मैंने अपनी फोटो का एक और क्लोन बनाया है, तो आपको दिख रहे हैं दो दोस्तों। वैसे ही आप इसी तरीके से अपने दो तीन क्लोन बना सकते हो, चाहे आपकी मर्जी, चार पांच जितने क्लोन आपको बनाने हैं उतने बनाओ भाई, सिर्फ अपने फोन का इस्तेमाल करके। तो आज की इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ अपने फोन का इस्तेमाल करके आप कैसे बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल की क्लोन फोटोग्राफी करते हो। और दोस्तों, कसम से यार बहुत ही जबरदस्त लगती है क्लोन फोटोग्राफी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्लोन फोटोग्राफी करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसीजर है वो ये है कि आपको किसी स्टेबल जगह पे अपने फोन को रखना है। मैं यहाँ पे अपने ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, ये चेंज नहीं होना चाहिए, एक इंच का भी फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कैमरा हिल गया तो आप क्लोन फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे। सो गाइस, मेक श्योर जब भी आप क्लोन फोटोग्राफी करो तो जो आपका बैकग्राउंड है उसका एंगल बिल्कुल भी चेंज ना हो, और वो तभी होता है जब आपका फोन हिलता है। तो जाहिर सी बात है यार, आपको अपना फोन नहीं हिलाना है, आप ब्लूटूथ डिवाइसेस का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो फोटो खींचने के लिए, या फिर यार सिंपल से 250-300 रुपए का ट्राइपॉड आता है, वैसे आपके पास हो गई होगा, सभी लोगों के पास रहता है आजकल, तो जो टिकटॉक वगैरह चलाते हैं सभी लोगों के पास रहता है, या फिर आपके पास यार खिड़की होगी या कहीं पे भी जहां पे आपका फोन स्टेबल हो, वहां पे आप अपने फोन को रख के दो फोटोज क्लिक कर लीजिए, जैसे कि मैंने की है। ये रही पहली फोटो और ये रही दूसरी फोटो। सो गाइस, देखा ना यार आप लोगों ने कैसे मैंने अपनी दोनों फोटोज को क्लिक कर लिया है। दोनों फोटोज में आपको ऐसे दिखाना है कि यार मतलब आप अलग अलग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं अपने फोन के ऐप पे, यानी कि पिक्सआर्ट पे, और उसमें असली काम शुरू होगा क्लोन फोटोग्राफी का। तो चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पे अपनी जो पहली फोटो है उसको पिक्सआर्ट पे खोल देना है। उसके बाद में यहाँ पे हमको जो दूसरी फोटो है अपनी, उसको यहाँ पे पिक्सआर्ट में ऐड कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी जो दूसरी फोटो है उसे पिक्सआर्ट में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों, उसके बाद हमें जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन पे, और अपने हिसाब से जितना हमें पार्ट चाहिए अपनी फोटो का उतना यहाँ पे क्रॉप कर देना है। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया तो हम दोनों ही फोटोज़ को यहाँ पे सिंक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो मैंने अपनी फ़ोटो ली थी वो ट्राईपॉड की मदद से ली थी, तो बैकग्राउंड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप इसे एडजस्ट करके ऐसे सेट कीजिए कि ये आपके जो दोनों बैकग्राउंड है पीछे वो एकदम मैच कर जाए, और आपकी जो फ्रंट साइड में सब्जेक्ट है वो भी एकदम बढ़िया से फिट हो जाए। और दोस्तों, जब आप अपनी दोनों ही फोटोज़ को यहाँ पे सिंक कर लेंगे ऐसे, तो उसके बाद में देखिए आपको तो अपनी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखने लगेगी और यहाँ पे आपको क्लोन नज़र आने लगेगा। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि वैसे तो आपकी फ़ोटो पूरी बन चुकी है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा कलर ग्रेडिंग कीजिए, और इसके लिए आपको ज़रूरत होगी लाइट रूम की। तो मैं यहाँ पे आपको लाइट रूम में थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी फ़ोटोज़ को यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। वैसे दोस्तों, पिक्सआर्ट में हमारी पूरी फ़ोटो बन जाती है, लेकिन आपको लाइट रूम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारी कलर ग्रेडिंग पूरी हो चुकी है, और अब हमारी फाइनल फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख सकती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कितना कमाल का ये क्लोन वाला फ़ोटो यहाँ पे लग रहा है। तो गाइस, देखा ना यार आप लोगों ने कितना आसान है क्लोन फोटोग्राफी करना सिर्फ और सिर्फ अपने फोन की मदद से। दोस्तों, इस वीडियो का सजेशन मैंने आप लोगों से ही मांगा था YouTube कम्युनिटी पोस्ट में। मैं डेली अपनी पोस्ट डालता रहता हूँ, उसमें आपसे सजेशन मांगता रहता हूँ कि किस किस टॉपिक पे मुझे आने वाली वीडियोज बनानी चाहिए। तो आप लोग भी यार उस पर कमेंट किया करो, काफी सारे लोगों ने बोला था कि क्लोन फोटोग्राफी पे वीडियो बनाओ, तो मैं आपके लिए वीडियो बना के ला गया। तो दोस्तों यार, YouTube कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक करते रहिए, और Instagram पे भी मैं बहुत सारी ऐसी स्टोरीज डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, जिससे कि आप को आने वाली वीडियोस का थोड़ा बहुत सजेशन मिल जाता है, और आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो कि मुझे आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। और दोस्तों, बाकी आप लोग कोई भी कमी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली हाईटेक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।